अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महफ किचन। बेहतरीन और लजीज खाने के लिए मेरा चैनल सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बटन दबाकर, और ये बेल बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपको चिकन तंदूरी बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। तो हमें चाहिए चिकन के लेग चाहिए, अराउंड ये 20 चिकन के लेग पीस मैंने इसको धोकर आधा घंटा नमक के पानी में रखा था। इस तरीके से हम इसमें कट्स लगा लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर क्लीन कर लिया है। इससे क्या होगा कि नमक के पानी से जो खून होगा वो उसका अच्छी तरीके से निकल जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, कर्ड, अराउंड 2 कप, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे हम दही का। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट अराउंड 4 टेबलस्पून, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ये सब 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, जो सिर्फ कलर के लिए होगी, और जो स्पाइसी चिली पाउडर होगी वो 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, और सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर द टेस्ट। और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस मैरिनेशन को हम अराउंड 2 आवर्स के लिए रखेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरीके से इस मसाले को जज्ब कर ले, तो ये जो हमारा मसाला होगा बहुत टेस्टी होगा। सो ट्राई करें इसको ओवरनाइट मैरिनेट करने, या तो एटलीस्ट 2 घंटों के लिए इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट करें। नाउ यू कैन सी जो हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, मैंने एक अच्छी बड़ी कढ़ाई को गैस पे रख दिया था, फ्लेम ऑन है। बस मैं ये ऐड करूँगी मैरिनेशन के साथ पूरे चिकन को, यानी ड्रम स्टिक्स को, और इसको मैं अच्छी तरीके से कुक करूँगी जब तक इसका जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होता। आप देख सकते हैं इसका पानी कम हो रहा है। तो अच्छी तरीके से इसे हम घुमाते हुए हल्के हाथों से इसका पानी जो है इवेपोरेट करेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ तंदूरी मसाला पाउडर, जो पैकेट्स में मिलता है। इससे इसका एक बहुत अच्छा सा कलर आता है। अब हम इसको और कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पर। यू कैन सी इसका जो पानी है वो कम हो गया है, इसका कलर कितना ब्राइट आया है। अब आप देख सकते हैं जो इसका जो पानी है चिकन का बिल्कुल कम हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक ग्रिल इफ़ेक्ट देने के लिए जो स्ट्रेनर है इस पर हम इस तरीके से ड्रम स्टिक रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे एक तंदूरी इफ़ेक्ट आने के लिए जस्ट इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने इस बिरयानी को ज़्यादा मिकदार में बनाया है, तो फॉर 20 चिकन लेग पीस आई एम यूजिंग 1 kg ऑफ अनियंस। मैं एक बड़ी सी पॉट में ऑयल डाल के स्लाइस ऑफ अनियंस लिए हुए हैं, और इसको मैं इस तरीके से कुक करते हुए इसको गोल्डन ब्राउन
कर लूँगी। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसका कलर बदल देंगे। यू कैन सी द रोस्टेड चिकन्स, तंदूरी चिकन। अब इसमें हम ऐड करेंगे होल स्पाइसेस, हरी इलायची, ये स्टार जो फूल आते हैं वो, ब्लैक कार्डमम, दालचीनी लौंग, और ब्लैक पेपर कॉर्न्स। अच्छी तरीके से डाल के हम कुक करेंगे। मीनवाइल मैंने क्या किया हुआ है, जो हमारी तंदूरी चिकन की पॉट थी, मैंने उसमें एक प्याला रख के उसमें एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा रखा था, उसमें ऑयल डाल के एक उसे इफ़ेक्ट देंगे चारकोल वाला। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे अनियंस हैं दे आर टर्निंग इन टू गोल्डन। अच्छी तरीके से स्टर करते हुए इसका हम कलर चेंज कर देंगे। अब आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो गया है, हमारा जो बरिस्ता है वो तैयार हो गया। अब इसमें हम इसका जो ऑयल है उसको निकाल कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसे बिरयानी के ऊपर सजाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या किया हुआ है, जो एक्सेस ऑयल था हमारा जो हमें नहीं चाहिए था बिरयानी के लिए, उसे हमने निकाल दिया है। और इसमें हमने ये जो स्लाइस टमाटर थे तकरीबन 400 ग्राम्स, इसको मैंने अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो गया है, जो ऑयल है साइड में छूटने लगा है, इट्स मीन्स हमारा जो मसाला है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने जो चिकन रोस्ट किया था मैरिनेट करके उसको ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से, और ये जो इसका मसाला है उसको भी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसकी एक अच्छी सी लेयरिंग कर देंगे नीचे। अब मैंने ये जो मसाला था हमारा उसमें जस्ट 1/2 कप पानी ऐड करके इसमें शामिल कर दिया। अब हम चावल उबाल लेंगे, तो उसके लिए मैंने पानी को बॉयलिंग के लिए रखा है। इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाले, बे लीव्स, इलायची, करी पत्ता एंड पुदीना लीफ एंड सॉल्ट एज पर द टेस्ट। अब हम इस पानी को अच्छे तरीके से उबलने के लिए वेट करेंगे। हमारा पानी जो है उबल रहा है, अब इसमें हम सोक करे हुए चावल ऐड कर देंगे, बासमती राइस। अब आप देख सकते हैं जो चावल उबलने लगे उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, ताकि जो हमारी राइस है वो खुले बने। अब इसको हम पानी जो है इसका छान लेंगे और इसको एक खुले बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे चावल को। अब हम जिसमें मसाला तैयार है हमारा वो पॉट को या उस बर्तन को गैस पर रख देंगे, और उस पर चावलों की जो हमारी कुक है पार बॉइल्ड है उसको हम उसकी लेयरिंग करते जाएंगे।
सो यू कैन सी, अब इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियंस ऊपर से, अच्छी तरीके से खोल खोल कर फ्राइड अनियंस को हम ऊपर डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड अराउंड हाफ कप। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे ऊपर से जिसमें हमने अनियंस को फ्राई किया था, ताकि जो हमारे राइस है उसमें भी फ्लेवर आए। अब इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर रेड येलो कोई भी जो आपकी चॉइस हो, मिंट लीव और करी लीव ऐड कर देंगे ऊपर से, देन हम इसको कवर करके कुक करेंगे 10 मिनट के लिए ऑन हाई फ्लेम, देन ऑन स्लो फ्लेम इसको कुक करेंगे हम 10 मिनट्स के लिए। तो यू कैन सी हमारी जो बिरयानी है तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट करके बताती हूँ आपको। यू कैन सी द कलर, इट्स वेरी डिलीशियस, तो ट्राई करें आप, इसमें आपको तंदूरी चिकन का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। सो यू कैन सी द रोस्टेड चिकन तंदूरी, सी द कलर, सो ट्राई दिस रेसिपी, डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर ट्राई करें ये रमज़ान में। अल्लाह हाफिज़, बाय।